नमस्कार दोस्तों, मैं इंशुल, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक काफी अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी का अपडेट देने वाला हूं, जो कि पोस्ट की गई है दोस्तों इंफोसिस कंपनी की तरफ से। हाँ दोस्तों, इंफोसिस की स्प्रिंग बोर्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम की डेट्स स्टार्ट हो गई हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हर एक चीज बताने वाला हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे आपको अप्लाई करना है, और दोस्तों किस किन डोमेन में आपको काम देने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट है इंफोसिस की, जो हायरिंग हो रही है 6.25 एंड 8 एलपीए के लिए फॉर द बैच ऑफ 2022-2019 बैच की, उसकी दोस्तों आज लास्ट डेट है 26th of December। तो दोस्तों मेक श्योर आप इसमें जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। बट दोस्तों मैं बोलता हूं, लास्ट डेट अगर एक्सटेंड भी हुई है तो प्लीज आज जरूर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, क्योंकि आज के बाद शायद फॉर्म थोड़ा बहुत हैंग होने भी लग जाएगा। तो मेक श्योर दोस्तों आप इसमें जरूर रजिस्टर कर लीजिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं इंफोसिस के स्प्रिंग बोर्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम की। तो दोस्तों यहां आपको इंफोसिस की साइड से इंटर्नशिप मिलने वाली है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं, इंफोसिस स्प्रिंग बोर्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम इज एन एक्सीलेंट लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स लर्नर्स हु आर एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स टू ओन देयर एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड ट्रांजिशन टू ग्लोबल कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स। और पहले ही बता दूं दोस्तों, इसमें सभी एलिजिबल होने वाले हैं। अगर दोस्तों आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में हो तो भी एलिजिबल हो। दोस्तों अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हो तो अभी दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल हो। और दोस्तों पहले ही बता देता हूं, अगर मैं बैचेस की बात करता हूं तो 2023, 2024, 2022, 2021, 2019, 2018 सभी एलिजिबल है। सारे बैचेस, सारी ब्रांचेस, सारी डिग्रीज एलिजिबल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहां इंटर्नशिप्स आपको काफी सारे डोमेन्स में मिलने वाली है। बात करता हूं दोस्तों मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एप्लीकेबल्स मस्ट हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट और हायर एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी एंड मस्ट बी परस्यूइंग ग्रेजुएशन और कंप्लीटेड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो दोस्तों अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो या आप 12th पास हो तो दोस्तों आप सभी एलिजिबल होने वाले हो। एप्लीकेंट्स मस्ट कंप्लीट ऑल द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड इन द प्री रिक्वेस्ट लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट फॉर द प्रोजेक्ट एंड स्कोर 60%। तो दोस्तों आपको इनके कोर्सेज कुछ कंप्लीट करने पड़ेंगे एंड दोस्तों उसमें स्कोर करना है 60 से ऊपर। दे मस्ट पास द सर्टिफिकेशन इफ प्रिस्क्राइब्ड इन द प्री रिक्वेस्ट लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट दे एंड दोस्तों मैं बात करता हूं, दे मस्ट सबमिट रिस्पॉन्स फॉर सर्वे विच विल बी एक्टिवेटेड वेन दे क्लिक ऑन द अप्लाई बटन। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो दोस्तों ये पहली बता दूं दोस्तों, यहां आपकी लिमिटेड सीट्स होने वाली है। तो दोस्तों जैसे ये वीडियो देख रहे हो आप तो इसके लिए रजिस्टर कर ही लो, साथ ही साथ दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड, जूनियर भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। कंप्लीशन ऑफ कोर्सेज इन द प्री रिक्वेस्ट लर्निंग माइक्रोसाइट एंड परफॉर्मेंस इन द सेल्फ असेसमेंट। सो दोस्तों पहले आपको कोर्सेज कंप्लीट करने हैं, कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट्स इफ एनी एंड परफॉर्मेंस इन दैम, सर्वे रिस्पॉन्सेज दोस्तों आपको बनने हैं, परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यूज विद मैंडर, परफॉर्मेंस इन अ क्वालिफिकेशन एग्जाम इफ इंफोसिस डिसाइड टू कन्वक्ट वन। तो दोस्तों आपका एक एग्जाम भी होने वाला है जो इंफोसिस डिसाइड करेगा। द डिसीजन ऑफ इंफोसिस विल बी फाइनल फॉर सिलेक्शन ऑफ इंटर्न्स। तो दोस्तों ऐसा आपका एक सिलेक्शन होगा। अब मैं दोस्तों आपको मीन्स इन डिटेल बताऊंगा कि कैसे चीजें वर्क करने वाली हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको दो जॉब अपॉर्चुनिटीज का अपडेट दे देता हूं, जो कि पोस्ट की गई है री लेवल बाय अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से। दोस्तों अब मैं री लेवल को इसलिए इतना प्रमोट कर रहा हूं क्योंकि हमारे काफी सारे सब्सक्राइबर्स की जॉब लग चुकी है री लेवल से ऑलरेडी। दोस्तों उनको पैकेज 5 LPA, 10 LPA, 12 LPA का मिल चुका है। तो मैं चाहता हूं मेरे बाकी के सब्सक्राइबर्स भी प्लेस हो जाए। तो दोस्तों जो आज की पहली जॉब अपॉर्चुनिटी है ये दोस्तों बैकएंड डेवलपमेंट में आपको मिलने वाली है। 2022, 2021, 2019, 2018 सभी एलिजिबल होने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक बात और बता दूं, बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, बीएससी, बीसीएस सभी एलिजिबल होने वाले हैं। अगर पैकेज की बात करता हूं तो दोस्तों फ्रंट एंड में आप यहां से 40 LPA तक का पैकेज ले सकते हो, साथ ही साथ दोस्तों बैक एंड में भी आप 40 LPA तक का पैकेज ले सकते हो। बात करते हैं कैसे रजिस्टर करना है। तो दोस्तों सिंपली रजिस्टर फॉर टेस्ट पर आप क्लिक करोगे, बैक एंड टेस्ट दोस्तों हमने सेलेक्ट कर लिया है, बुक योर फ्री स्लॉट। दोस्तों आपको यहां अपना मोबाइल नंबर भरना है, उसके बाद दोस्तों आपके फोन पर OTP आएगा, फिर दोस्तों आपको OTP भरकर अपना स्लॉट दोस्तों बुक करना है। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी दोस्तों ओके क्रेडिट की तरफ से आई है। दोस्तों ये जॉब अपॉर्चुनिटी मैंने लास्ट टाइम भी अपडेट की थी, इस बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें दोस्तों काफी सारी हायरिंग निकली हुई है। ये अच्छे लेवल पर हायरिंग कर रहे हैं, बिजनेस एनालिटिक्स डोमेन पर दोस्तों हायरिंग है। 22 LPA तक का दोस्तों यहां से आप पैकेज ले सकते हो बिजनेस एनालिस्ट रोल में। डेटा एनालिस्ट की बात करता हूं तो दोस्तों 27 LPA तक का पैकेज ले सकते हो। री लेवल से रिलेटेड दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में भी हमें जरूर बताइएगा। बात करते हैं दोस्तों ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है इंफोसिस का कैसे वर्क करने वाला है। तो दोस्तों पहली बता देता हूं, ये जो
ये जो दोस्तों इंफोसिस का स्प्रिंग बोर्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम है दोस्तों 24 दिसंबर को ओपन हुआ है और 14 जनवरी 2022 को क्लोज हो जाएगा। ब्राउज फॉर ओपन प्रोजेक्ट्स एंड एक्सप्लोर अप्लाई फॉर प्रोजेक्ट्स दैट सूट्स कंप्लीट द प्री रिक्वेस्ट लर्निंग कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट्स। दोस्तों कुछ कोर्सेज है जिनमें आपको अप्लाई करना है, फिर कुछ कोर्सेज है जिनको आपको पूरा करना है एंड सर्टिफिकेशन प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू बाय प्रोजेक्ट मेंटर। दोस्तों आपको प्रोजेक्ट के मेंटर मिलेंगे, फिर आपको दोस्तों इंटरव्यूज कंप्लीट करने हैं। अटेंड इंटरव्यूज की डेट की बात करता हूं तो दोस्तों 17 जनवरी से 28 जनवरी 2022 तक आपके इंटरव्यूज होंगे एज पर शेयर्ड स्केड्यूल एलोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट दोस्तों आपको मिलने वाला है, यह भी बताऊंगा दोस्तों कि आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कौन कौन से डोमेन में काम मिलने वाला है। इंटरैक्ट विद प्रोजेक्ट मेंटर्स, डिजाइन कोड एंड टेस्ट सॉल्यूशन, डिप्लॉय एंड इंटीग्रेट। फिर दोस्तों मार्च अप्रैल की बात करते हैं तो दोस्तों माइलस्टोन आ जाएगा, प्रोजेक्ट माइलस्टोन एंड इवेल्युएशन एंड दोस्तों इंफोसिस इन स्प्रिंग बोर्ड इंटर्नशिप क्लोजेस अप्रैल में दोस्तों क्लोज हो जाएगी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने आपको फ्लो बता दिया है कि कैसे स्टार्ट हो रहा है और कैसे एंड हो रहा है। और अगर मैं दोस्तों प्रोजेक्ट्स की बात करता हूं तो दोस्तों यहाँ आपको ऑलमोस्ट 40 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, जैसा कि देख सकते हो 48 प्रोजेक्ट्स। अगर दोस्तों आपको कोई भी फील्ड में प्रोजेक्ट करने हैं, सपोज करो अगर मैं बात करता हूं दोस्तों आपको विंग्स प्लेन, अगर दोस्तों हम इस पर क्लिक करते हैं और दोस्तों अगर आपको पाइथन की नॉलेज है और रोल्स ओपन की बात करता हूं तो दोस्तों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेक्स्ट। अगर दोस्तों यहां आपको अप्लाई करना है तो दोस्तों यहां अप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दोस्तों आपको यहां मिलने वाली है। स्टार्ट पर दोस्तों आप यहां क्लिक कर सकते हो, फिर दोस्तों यहां आपको आई हैव रीड टू द गिविंग कंडीशंस एंड प्रोसीड पर दोस्तों हम क्लिक कर देंगे। फिर दोस्तों इन्फोसिस बी इंटर्नशिप विंग्स पेन एनालिटिक्स, दोस्तों ये हमें पूरा का पूरा फॉर्म भरना होगा। तो दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है सर्वे फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिएगा और दोस्तों इस पर जरूर अप्लाई करिएगा क्योंकि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दोस्तों इन्फोसिस की साइड से मिल रही है। बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है, तो दोस्तों अप्लाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर दोस्तों क्लिक करिएगा, आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगी कि कैसे आप कौन हो, आप लर्नर हो, पेरेंट हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिप्रेजेंटेटिव हो या दोस्तों टीचर हो, तो दोस्तों इस पर आप क्लिक कर सकते हो। बाकी दोस्तों कुछ आपके एपीक्यूज वगैरह हैं वो भी मैं आपके सॉल्व कर देता हूं। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, व्हाट एंड व्हाट ऑफ इंटर्नशिप, तो दोस्तों पहले मैं बात करता हूं इफ आई हैव अ क्वेरी वेयर डू आई कॉन्टैक्ट, तो दोस्तों आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करना है। व्हाट इज इंफोसिस स्प्रिंग बोर्ड इंटर्नशिप, तो दोस्तों ये है क्या, उसके बारे में भी इन्होंने हर एक चीज बता रखी है। रजिस्ट्रेशन एंड सिलेक्शन की बात करते हैं तो दोस्तों हु इज एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप, दोस्तों मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन डिटेल बता दिया है। विच एजुकेशनल स्ट्रीम्स, तो दोस्तों सभी एलिजिबल होने वाले हैं, कोई भी इन्होंने स्पेसिफिक एज सच नहीं की है। बात करता हूं दोस्तों स्टाइपेंड की, तो दोस्तों यहां कोई आपको स्टाइपेंड नहीं मिलने वाला, पहले ही दोस्तों मैंने क्लियर कर दिया था यहां कोई स्टाइपेंड नहीं है। बट सबसे अच्छी बात क्या है, यहां दोस्तों आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आप अपने रिज्यूमे में लगा सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आगे चलकर आपके जितने भी इंटरव्यूज आएंगे उसमें आप मेंशन भी कर सकते हो कि आपके पास इंफोसिस का ये सर्टिफिकेट है, तो दोस्तों आपको काफी सारे बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। जैसा कि दोस्तों इन्होंने मेंशन कर रखा है, डू आई नीड टू पे एनी मनी, दोस्तों आपको तो कुछ पे नहीं करना। विल आई गेट स्टाइपेंड, तो दोस्तों स्टाइपेंड भी यहां आपको नहीं मिलने वाला। द इंटर्नशिप प्रोग्राम इज बीइंग रोल्ड आउट अंडर द इंफोसिस सीएसआर इनिशिएटिव ऑफ इंफोसिस स्प्रिंग बोर्ड, देयर विल बी नो स्टाइपेंड ऑफर टू द इंटर्न्स एज पर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो दोस्तों इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों वर्क फ्रॉम होम होने वाला है, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी की आप आराम से वर्क फ्रॉम होम ये कर सकते हो। तो दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।